बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सेकंड जो पैराग्राफ है आज उसकी हमने ट्रांसलेशन जो है वो देखनी है। स्टार्ट करते हैं। द इंटायर, इंटायर मीन होल, कंप्लीट, सारा। जर्नी सफ़र ऑफ ग्रेट लीडर स्ट्रगल, इस अजीम रहनुमा की जिद्दोजहद का जर्नी कहते हैं। वेज ट्रेवल कह लें, वेंचर कह लें। ऑफ ग्रेट लीडर्स स्ट्रगल, इस अजीम रहनुमा की जिद्दोजहद का। लीडर्स साथ अपॉस्ट्रॉफी लग गया, तो अपॉस्ट्रॉफी जब लग जाए तो तर्जुमा काकी में होता है। तो ग्रेट लीडर्स स्ट्रगल, अजीम रहनुमा की जिद्दोजहद का। फॉर अ सेपरेट होमलैंड, अलहदा मादरे वतन की खातिर। सेपरेट इंडिपेंडेंट, अलग, फ्री कह लें आप, सॉवरन कह लें। होमलैंड मादरे वतन को कहते हैं। फॉर मुस्लिम ऑफ सब कॉन्टिनेंट, बड़े सगीर के मुसलमानों के लिए। वाज बेस्ड, इन्हें समुनहसिर था, या इस सफ़र का इन्हेसार था। बेस्ड, फाउंडेड, इस्टेब्लिश, बिल्ड, यानी बुनियाद थी। ऑन पाइवट, पाइवट कहते हैं बुनियादी नुक्ते को, एक्सिस कह लें, सेंट्रल पॉइंट कह लें। क्या बुनियादी नुक्ता था जी? मुस्लिम यूनिटी, के मुसलमान मुत्तहिद हैं। एंड वननेस एज नेशन, और बतौर कौम एक हैं, यानी पूरे बरे सगीर में मुसलमान जहाँ भी रहते हैं, जितने भी मुसलमान हैं, उन वो सब क्या हैं? मुत्तहिद हैं, और वो एक कौम है। ऐसा नहीं है कि मुख्तलिफ इलाकों के लोग जो हैं, मुसलमान जो हैं, वो मुख्तलिफ सोच, मुख्तलिफ नज़रिए के मालिक हैं। मुसलमान बरे सगीर के जिस कोने में भी पाए जाते हैं, वो सब के सब जो हैं वो मुत्तफिक हैं, और वो एक कौम है। अलग सूबों, अलग रियासतों या अलग इलाकों के होने की वजह से उनकी सोच और उनकी ख्वाहिशात अलग नहीं है। तो इसका तर्जुमा जो है वो ज़रा आपने तवज्जो से सुनना है। पहले एक बार फिर लफ्जी शॉर्ट पीसीज में करूँगा, और उसके बाद जो है मैं इसका बामुहावरा तर्जुमा करूँगा। द इंटायर जर्नी ऑफ ग्रेट लीडर्स स्ट्रगल फॉर सेपरेट होमलैंड फॉर द मुस्लिम ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। अब तर्जुमा जैसे जैसे करूँगा पेन उसी लफ्ज़ पर रखूँगा। बरे सगीर के मुसलमानों के लिए अलहदा वतन हासिल करने की खातिर, इस अजीम रहनुमा की सारी जिद्दोजहद का इन्हेसार इस बुनियादी नुक्ते पर था कि मुसलमान एक मुत्तहिद और एक कौम है। अब इसका तर्जुमा बामुहावरा कर रहा हूँ, आप इसको जो है वो गौर से सुनेंगे और लिखेंगे कि बरे सगीर के मुसलमानों के लिए अलहदा वतन हासिल करने की खातिर, इस अजीम रहनुमा की सारी जिद्दोजहद का इन्हेसार इस बुनियादी नुक्ते पर था कि मुसलमान मुत्तहिद और एक कौम है। ही टॉक्ड अबाउट पाकिस्तान, आपने पाकिस्तान के बारे में बात की, टॉक्ड गुफ्तगू की, बात की, इन सच क्लियर टर्म्स, इतने वाज़े अल्फाज में, टर्म इस्तलाह कह लें, अल्फाज कह लें, दैट इवन अ कॉमन मैन कुड अंडरस्टैंड इट ईजीली, हत्ता कि एक आम आदमी भी इसको बआसानी समझ सकता था। यानी जब कायदे आज़म गुफ्तगु करते थे तो वो इतने सादा अल्फाज में बात करते थे कि हर आदमी, चाहे वो जो है वो एजुकेटेड है या नहीं है, ज़िंदगी के किसी भी शोबे से उसका ताल्लुक है, वो उनकी बात को मुकम्मल तौर पर समझ जाता था कि कायदे आज़म जो बात कर रहे हैं ये क्या है और इसका मकसद क्या है। आपने पाकिस्तान के बारे में इतने साफ अल्फाज में बात की कि आम आदमी भी उसे बआसानी क्या कर सकता था जी, समझ सकता था। अब वो क्या बात की, वो सारी हम इस पैरे में डिस्कस करते हैं। वी आर अ नेशन, हम एक कौम हैं। ही अफीम, अफीम होता है जोर देकर किसी बात को कहना, टेस्टिफाई करना उसको, वेरीफाई, स्टेट, डिक्लेयर, जोर देकर कोई बात करना। थ्री ईयर्स बिफोर द बर्थ ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान बनने से 3 साल पहले। आपने पाकिस्तान बनने से 3 साल पहले जोर देकर कहा कि हम एक कौम हैं। यानी तर्जुमा आपने इस जो ये लफ्ज़, ये जो लाइन है, इसको आपने इसके साथ ऐड करना है कि आपने पाकिस्तान बनने से 3 साल पहले जोर देकर कहा कि हम एक कौम हैं, जबकि बाकी का जो पैराग्राफ है उसको इन्वर्टेड कामाज में, उसका ताल्लुक भी इसी के साथ है। अब कैसे एक कौम है ये उन्होंने आगे उसको उन्होंने एक्सप्लेन किया। उन्होंने कहा विद आवर ओन डिस्टिंक्टिव कल्चर एंड सिविलाइजेशन, हमारी अपनी मुनफरद सकाफत और तहजीब। डिस्टिंक्टिव कहते हैं मुनफरद को, अलग, जिस जैसा दूसरा कोई ना हो, ठीक है। हमारी अपनी मुनफरद कल्चर एंड सिविलाइजेशन, सकाफत और तहजीब है। कल्चर सिविलाइजेशन बेसिकली तो दोनों सरनम है, लेकिन यहाँ पर हम सकाफत और तहजीब अलग अलग लेंगे। कल्चर कहते हैं कस्टम को, ट्रेडिशन, रिवायात वगैरह को, जबकि सिविलाइजेशन भी कल्चर ही को कहते हैं, सोसाइटी, वे ऑफ लाइफ, ज़िंदगी गुजारने के तरीके को कहते हैं। तो विद आवर ओन डिस्टिंक्टिव कल्चर एंड सिविलाइजेशन, हमारी अपनी मुनफरद सकाफत और तहजीब है।
लैंग्वेज एंड लिटरेचर हमारी अपनी ज़बान और हमारा अपना अदब है, टीचर कहते हैं रजमिया कहानियाँ वगैरह को, फ़नून लतीफ़ा को। आर्ट एंड आर्किटेक्चर हमारा अपना फ़न और फ़न तामीर है। नेम्स एंड नोमेनक्लेचर हमारे नाम अलग हैं और हमारे नाम रखने के असूल अलग हैं। यानी कायद आज़म इसमें अपना डिफरेंस दूसरे मज़ाहिब के लोगों के साथ कर रहे हैं कि दूसरे मज़हब मज़ाहिब की निस्बत हमारी जो है वो अपनी एक ज़बान है और हमारा अपना एक अदब है। यानी हमारी ज़बान जो है वो दूसरे मज़ाहिब के लोगों से मुख्तलिफ है और हमारी ज़बान के अंदर जो हमारी साबका लोगों की जो हमारी तारीख है, कहानियाँ हैं, मोटिवेशनल जो हमारी हिस्ट्री है, वो दूसरे मज़ाहिब के लोगों से मुख्तलिफ है। हमारे अपना ज़िंदगी गुजारने का एक तरीका है। हमारे नाम और हमारे नाम रखने के असूल मुख्तलिफ हैं। हमारे नाम जो हैं वो दूसरे मज़ाहिब के लोगों से बिल्कुल नहीं मिलते और हमारे नाम रखने के असूल हैं कि हम अपने नाम अपने अंबियाए कराम सहाबाए कराम जो है ये हमारे जो तारीख के अजीम जो लोग गुजरे हैं उलमाए कराम आइम्माए कराम औलियाए कराम उनके नामों पर हम अपने नाम रखते हैं। तो हमारा नाम रखने का अपना एक सिस्टम है, नोमेनक्लेचर कहते हैं सिस्टम ऑफ नेमिंग थिंग्स, ये आपने बायो में भी पढ़ा होगा। सेंस ऑफ वैल्यूज़ एंड प्रोपोर्शन हमारे यहाँ अकदार का जो है वो शऊर है और उसका तनासुब है। यानी हमारे यहाँ एक अकदार है कि हम जो है वो बड़ों का अदब करते हैं, छोटों से शफकत करते हैं, छोटे बड़ों के अदब में खड़े होते हैं, माँ बाप का हम लोग एहतराम करते हैं, असाज़ा का हम अदब करते हैं और इस किस्म की बहुत सारी चीज़ें यानी हमारे अंदर शामिल हैं। लीगल लॉज एंड मॉरल कोड्स हमारे यहाँ कवानीन भी हैं और अखलाकी ज़ाबते भी हैं। हमारे मज़हब के अंदर मुख्तलिफ जो है अमूर निपटाने के लिए कवानीन और ज़ाबते भी हैं लेकिन हमारे यहाँ अखलाकियात भी हैं। कुछ काम हम कवानीन के मुताबिक करते हैं और कुछ काम जो है हम वो अखलाकियात के मुताबिक करते हैं। उसकी मिसाल मैं ऐसे देता हूँ कि अगर एक बस के अंदर हम चढ़ते हैं सवार होते हैं तो वहाँ पर अगर कोई पहले से जो है वो एक नौजवान बैठा और एक बुज़ुर्ग जो है बस के अंदर आता तो नौजवान जो है चौके पहले सीट पर बैठा हुआ है और बुज़ुर्ग जो है वो बस में बाद में जो है वो बस पर सवार हुआ है। लेकिन कानूनी तौर पर तो वो जो नौजवान चौके पहले से बैठा है वो सीट उसकी है, कानूनी तौर पर वो बुज़ुर्ग जो है वो उस नौजवान को सीट से नहीं उठा सकता। लेकिन हमारी अखलाकी अकदार ये कहती हैं कि वो नौजवान खुद खड़ा हो जाए और उस बुज़ुर्ग को बिठा दे। यानी कुछ जगहों पर हम कवानीन की पैरवी करते हैं लेकिन बहुत सारे मकामात ऐसे हैं जहाँ पर हम अपनी अखलाकियात को लेकर चलते हैं। कस्टम एंड कैलेंडर हमारे अपने रिवाज, हमारा अपना तकवीम है, हमारे रस्म और रिवाज त्यौहार अलग हैं। हिस्ट्री एंड एम्बिशन हमारी हिस्ट्री एंड ट्रेडिशन हमारी अपनी तारीख है और हमारी अपनी जो है वो रिवायात है। एपीट्यूड एंड एम्बिशन, एपीट्यूड कहते हैं ख्वाहिशात को, तो कहता है कि हमारी अपनी ख्वाहिशात और अपनी एम्बिशंस कहते हैं ख्वाहिशात और दोनों सरों में एपीट्यूड और एंड एम्बिशन हमारी अपनी ख्वाहिशात और तमन्नाएँ हैं। इन शॉर्ट मुख्तसर वी हैव आवर ओन डिस्टिंक्टिव आउटलुक ऑन लाइफ, मुख्तसर ये कि ज़िंदगी के बारे में हमारी अपनी सोच है। आउटलुक कहते हैं सोच को, नज़रिए को, थॉट को, थ्योरी को। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ से लेकर यहाँ तक जो इसका तर्जुमा है वो इकट्ठा बनेगा, ज़रा आप तवज्जो के साथ इसको सुनेंगे, मैं इसको दोबारा करता हूँ। आपने पाकिस्तान बनने से 3 साल पहले जोर देकर कहा, आपने पाकिस्तान बनने से 3 साल पहले ज़ोर देकर कहा हम एक कौम हैं, हमारी अपनी मुनफरिद सकाफत और तहजीब, ज़बान और अदब, फ़न और फ़न तामीर, नाम और नाम रखने के असूल, अकदार का शऊर और उनका तनासुब, कवानीन और अखलाकी ज़ाबते, रिवाज और तकवीम, तारीख और रिवायात, ख्वाहिशात और तमन्नाएँ हैं। मुख्तसर ये वी हैव आवर ओन डिस्टिंक्टिव आउटलुक ऑन लाइफ, ज़िंदगी के बारे में हमारा अपना नज़रिया है। तो ये आपने इसका तर्जुमा जो है वो करना है। द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान वॉज बेस्ड ऑन द फंडामेंटल प्रिंसिपल, नज़रिए पाकिस्तान की बुनियाद इस बुनियादी उसूल पर थी। आइडियोलॉजी कहते हैं फ़िलासफ़ी को, थ्यूरी को, थाट को, आइडिए को, बिलीफ को। बेस्ड ऑन का मतलब होता है इन्हसार होना, इस्तवार होना, फाउंडेड इस्टेब्लिश कह लें, जबकि फंडामेंटल बेसिक एसेंशियल प्राइमरी यानी जो बुनियादी रूल था, बुनियादी सोच थी, वो क्या थे, प्रिंसिपल असूल को कहते हैं। अब वो बुनियादी असूल क्या था जिस पर मुसलमान जो अपना अलग वतन हासिल करना चाहते थे, तो बुनियादी असूल ये था कि मुस्लिम्स आर एन इंडिपेंडेंट नेशन, के मुसलमान एक आज़ाद कौम है। यानी मुसलमान जो अपना अलग मुल्क हासिल करने की बात कर रहे थे उसकी वजह यही थी कि हमारी सोच है कि मुसलमान एक आज़ाद कौम है, इंडिपेंडेंट, आज़ाद, डिफरेंट, हम किसी के साथ मैच नहीं होते, किसी के साथ अटैच नहीं होते, हम एक फ्री कौम। नज़रिया पाकिस्तान की बुनियाद इस बुनियादी उसूल पर थी कि मुसलमान एक आज़ाद कौम। एनी अटैम्प्ट टू मर्च, मर्च होता है ख़त्म कर देना, मिटा देना, ज़म कर देना,
ठीक है, अनटाई करना, कंबाइन ज्वाइन जोड़ देना, तो एनी अटेम्प्ट अगर कोई भी कोशिश की गई टू मर्ज खत्म करने की, देयर नेशनल उनकी कौमी एंड पॉलिटिकल आइडेंटिटी सियासी शनाख्त को विल बी स्ट्रॉन्गली रेजिस्टेड, तो इसकी सख्ती से क्या की जाएगी, मुखालफत की जाएगी। अगर इनकी सियासी या कौमी शनाख्त को ख़त्म करने की कोई भी कोशिश की गई तो उसकी सख्ती से क्या की जाएगी, मुखालफत की जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक आप इस पैराग्राफ को लिखेंगे, इसके वर्ड्स मीनिंग सुनना अच्छे तरीके से आप करेंगे, इनको याद करेंगे, नेक्स्ट जो दो पैराग्राफ है उसकी वीडियो के साथ कल फिर हाजिर होंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।